पुरंजय सिंह ने लिखा है, नमन गुरुजी, व्हाट शुड टू बी अंडरस्टूड विद अदरनेस, द अदरनेस वर्ड हैज बीन यूज्ड बाय जे कृष्णमूर्ति फ्रिक्वेंटली इन हिज डायरी नोटबुक, प्लीज से अबाउट। पुरंजय कहते हैं कि कृष्णमूर्ति जी ने अपनी डायरी नोटबुक में अदरनेस शब्द का बहुत बार उपयोग किया है, उससे हम क्या समझें। हर व्यक्ति, हर मास्टर अपने समय में जो प्रचलित शब्द होते हैं या जिन शब्दों से उसको आकर्षण बनता है या उसको लगता है कि इस शब्द से हम कोई चीज कह सकते हैं, उस शब्द का उपयोग करता है। जेके ने जो अदरनेस शब्द का उपयोग किया है उससे मैं भली भांति परिचित हूं। जेके का तात्पर्य उससे वही है जो हम प्रेजेंस शब्द से करते हैं। वो प्रेजेंस, वो इंटेंस प्रेजेंस जो हमारे स्रोत से प्रकट होती है, यानी हमारे स्रोत से लयबद्धता के कारण जो प्रेजेंस घट जाती है, जो बस होना मात्र रह जाती है, जो नाम रहित, रूप रहित, नेमलेस, फॉर्मलेस हो जाती है, इंटेंस स्टेट जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो जेके को शायद ये शब्द अच्छा लगता होगा, अदरनेस, यानी कि कुछ और है वो। उससे वो कहना चाहते थे वो नहीं है जिसे हम जानते हैं, वो एक और कोई चीज है। हम जिन चीजों से परिचित हैं अपने सेंसरी परसेप्शन से, अपनी इंद्रियों के माध्यम से जिन अनुभवों से हम परिचित हैं, वो नहीं है, इसीलिए वो कुछ और है। तो इसीलिए वो अक्सर जब ऐसे शब्दों का उपयोग करेंगे तो कहेंगे, अचानक मैं कमरे में घुसता हूँ, अचानक मैं किसी पेड़ के पास होता हूँ, अचानक मैं टहल रहा हूँ, और वो अदरनेस होती है, एक स्थिरता, एक प्रशांति छा जाती है, शरीर अपनी एक अलग ही दशा में हो जाता है, सब कुछ एक अवर्णनीय सुंदरता से भर जाता है, जैसे वही चीजें, वही कमरे का वातावरण, वही पदार्थ, लेकिन सब एक अलौकिक आभा से भर गया है, एक ठहराव है, एक शांति है, लेकिन उसे हम जान नहीं सकते। वो अदरनेस क्या है जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते, वो आती है अचानक और जाती है अचानक, ना हम उसे ला सकते हैं, ना उसे भेज सकते हैं, वो है बस, बस यहीं पर उसको समझना, वो है बस। हम उसको निर्माण नहीं करते, हम उसका निर्माण नहीं करते तो हम ना उसे ला सकते हैं ना भेज सकते हैं। हम उसके प्रति खुलते हैं, ये ओपनिंग है। तो जेके भी उसके लिए यही शब्द उपयोग करते हैं कि वो ओपनिंग, सडनली माइंड ओपेंड टुवर्ड्स दैट अदरनेस, अचानक हमारा जो मन था वो उस जो अलौकिकता थी, यानी कि जो अव्याख्य चीज थी, उसके प्रति खुल गया। अव्याख्य, इनएक्सप्रेसिबल, इसे हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते। तो हम प्रेजेंस को कहां अभिव्यक्त कर सकते हैं, प्रेजेंस को हम बस महसूस कर सकते हैं। तो अब आज के समय में आते आते हम अपना ज्ञान, विज्ञान और टर्मिनोलॉजी, वर्ड्स, उसके साथ हम चीजों को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वक्त के साथ जो विकास होता है मनुष्य के मन का पुरंजय, तो उसमें क्या है कि अभिव्यक्तियां और स्पष्ट, क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि अतीत के अगर शास्त्र या किताबें पढ़ें तो उसमें भी कई टर्मिनोलॉजी का उपयोग है। अब इसलिए है क्योंकि उनके पास वही टर्मिनोलॉजी थी, वो उसी से बात कह पा रहे थे। तो किसी को भी ये कभी भी जिद नहीं पकड़नी चाहिए कि हम उस टर्मिनोलॉजी की एज इट इज व्याख्या करें, कोई जरूरत नहीं। आज हमारे पास ज्यादा स्पष्ट शब्द हैं, ज्यादा स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता है। पुराना साहित्य भी अगर पढ़ो तो क्या होता है कि उसमें जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज होंगे, कठिन शब्द होंगे, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो, सभी में वही उपयोग था कि
कि साहित्य रचने का मतलब ही था कि कुछ कठिन कॉम्प्लेक्स, सिंपल कह दिया तो क्या साहित्य कहा, सिंपल कह दी कविता तो क्या, जब तक आदमी सिर पकड़ के ना बैठे अच्छा इसका मतलब ये था, तो काहे इतना कठिन बनाना। जेके पारंपरिक भाषा का चुनाव करना नहीं चाहते थे, वो कोई नई भाषा का चुनाव करना चाहते थे, तो उनके शब्दकोश में ये शब्द आ गया जो कि एग्जैक्टली वही है जो प्रेजेंस है। प्रेजेंस से हम अब बात को समझते भी हैं, जानते भी हैं, महसूस भी करते हैं, और प्रेजेंस हमारे लिए कुछ मिस्टीरियस चीज़ नहीं है। जैसे अदरनेस को पढ़ते हुए उनकी डायरीज और नोटबुक्स में थोड़ा व्यक्ति रहस्य में घिरता है कि वो क्या है, क्या आता है और जाता है, लेकिन अब हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं कि हम जैसे ही अपनी सचेतनता से लयबद्ध होते हैं, हम अपनी अलाइवनेस से, अपनी जीवंतता से जुड़ते हैं, प्रेजेंस होती है हमारे शरीर से, जो जीवंतता प्रकट हो रही है, जो अलाइवनेस रिफ्लेक्ट हो रही है, वो उस प्रेजेंस का ही हिस्सा है। तो इट इज ऑलवेज देयर, ऐसा नहीं कि वो आती है और जाती है और वो खो जाती है या कहीं और से आती है, वो हमेशा है, और उसके साथ जुड़ना भी हमेशा आसान है। तो ये सारा मसला है बिल्कुल स्पष्ट सरल। Thank you.